राग बहार। राग बहार की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इस राग में कोमल गंधार यानी कोमल ग तथा दोनों निषाद यानी शुद्ध नी और कोमल नी प्रयोग किए जाते हैं। शुद्ध नी इसके आरोह में और कोमल नी इसके अवरोह में प्रयोग किए जाते हैं। इस राग के आरोह में ऋषभ यानी रे और अवरोह में धैवत यानी ध, ये दोनों वर्जित स्वर हैं। इस प्रकार इसके आरोह और अवरोह में छह छह स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति शाळव शाळव है। इसका वादी स्वर मध्यम यानी म है और संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय मध्यरात्रि है एवं इसे वसंत ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। राग बहार के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। नी सा और अब सुनिए अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। सा मा मा पा गा मा नी धा नी सा। अब प्रस्तुत है राग बहार की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। सा सा नी प म प ग म नी ध नी सा। सा सा नी प म प ग म नी ध नी सा। सा 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 नी नी प म प ग ग म रे रे सा सा। सा म म म प ग म नी ध नी नी सा रे नी सा। सा सा नी प म प ग म नी ध नी सा। सा सा नी प म प ग म नी ध नी सा। अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। ग म म नी ध नी सा 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 नी सा। ग म म नी ध नी
अभी आपने सुनी राग बहार की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं, ऋतु बसंत फिर आई। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। ऋतु बसंत फिर आई। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। रंग बिरंगे फूल ये पत्ते, रंग बिरंगे फूल ये पत्ते, हर दम मुस्काते ही लगते बैठ डार ऊपर बगिया में, कोयल ने है कूक सुनाई, ऋतु बसंत फिर आई, ऋतु बसंत फिर आई। अभी आपने सुनी राग बहार की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। राग रस बरसे